हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए रमजान स्पेशल सीरीज में लेकर आया हूँ चिकन ब्रेड फिंगर्स की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रंची बन के तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेल डालेंगे 2 टेबलस्पून, प्याज 1/2 कप चॉप किया है, इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे हम। अभी हम ऐड करेंगे कैरेट 1/2 कप, इसको भी चॉप किया है, अच्छे से सोटे कर लीजिए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अभी हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसको अच्छे से सोटे कर लीजिए ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। अभी हम ऐड करेंगे 1 कप चिकन, इसको मैंने बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है, थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। आप नॉर्मल देखेंगे तो ये 150 ग्राम के बराबर आता है। और 1/2 कप कैप्सिकम चॉप कर लिया है इसको भी, और अच्छे से सोटे कर लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टीस्पून, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून के बराबर मेयोनेज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अभी मैंने इधर ब्रेड लिया है, इसको हम रोलर पिन से रोल करेंगे, हल्के से रोल करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और एजेस को कट कर लेना है, और ये एजेस आप फेंकिए मत, ये आपको ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आएंगे। अभी हम स्टफिंग डालेंगे जो चिकन का बनाया था, अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लीजिए। और हम थोड़ा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, आप कोई भी आपके पसंद का चीज़ ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। और दूसरा वाला जो स्लाइस ब्रेड है वो ऊपर रख के जेंटली प्रेस कर लीजिए। अभी हम इसको कट कर लेंगे। एक ब्रेड में मैंने 5 फिंगर्स बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मैं यहाँ 2 अंडे लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, अभी उसमें हम डिप करेंगे। प्लेन अंडा है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया उसमें। अभी हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से, अच्छी तरह से आप कोट कर लीजिए, वरना फ्राई करने के टाइम मोज़रेला चीज़ बाहर आ सकता है ऑयल में। इसी तरह हमको बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं, आप इसी तरह बना के सारे तैयार कर लीजिए और फ्रीज कीजिए 15 मिनट के लिए फ्राई करने से पहले, फिर फ्राई कीजिए। और आप इसे 2 वीक्स के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, मीडियम फ्लेम पे है। अभी हम एक एक करके फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। एक बार अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए एक साइड, तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए ये तैयार है, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह हम सारे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप इसे केचप या मेयोनेज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ था। आप इसे रमजान मेन्यू में ज़रूर से शामिल कीजिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि कैसे बनाता। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।